नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को संबोधित किया। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने नए ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिए ग्राम पंचायतों की समस्याओं से जुड़ी जानकारी एक जगह पर मौजूद रहेगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री बोले कि कोरोना संकट के बीच गाँव वालों ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। गाँव वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि दो गज दूरी का संदेश दिया, जिसने कमाल कर दिया। कोरोना वायरस महामारी को लेकर चीन के साथ मिली भगत का आरोप लगाने के साथ ही अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को देने वाली फंडिंग रोक दी थी। अब माइक पोम्पियो ने इस पर और भी आक्रामक रूप के संकेत दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना है कि अमेरिका शायद फिर कभी विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपनी फंडिंग चालू नहीं करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो वह स्वास्थ्य को लेकर खुद अपना वैश्विक संगठन बना लेंगे। पंजाब में कोरोना वायरस की वजह से हो रही मौत से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह चिंतित है। उन्होंने कहा है कि सरकार राज्य में कोरोना से हुई मौतों की जांच करवाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हर एक मौत की जांच करवाने के आदेश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राहत वाली बात है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में पंजाब का औसत देश के मुकाबले बेहतर है। देश में 9 दिनों में पॉजिटिव केस दोगुना हो गए थे, वहीं पंजाब में यह दर 16 दिन की है। पिछड़ा इलाका माने जाने वाला बठिंडा कोरोना के खिलाफ जंग में पंजाब के अन्य जिलों से आगे निकल गया है। पंजाब में कोरोना की मार से बचे एक दो जिलों में बठिंडा का नाम भी शामिल है, जहां कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। लॉकडाउन में जहां पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाई है, वहीं बठिंडा के लोगों ने भी कर्फ्यू का पालन करके सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है। देश की राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल को लेकर अहम बात कही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार को सीमित स्तर पर संक्रमितों पर इस थेरेपी के इस्तेमाल की अनुमति मिली थी। सीएम ने बताया कि कोरोना से संक्रमित 4 मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया और प्लाज्मा थेरेपी के नतीजे उत्साहवर्धक निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब गांव की मैपिंग ड्रोन के जरिए की जाएगी, जबकि बैंक से ऑनलाइन लोन लेने में भी मदद मिलेगी। स्वामित्व मिलने से आपसी झगड़े खत्म हो जाएंगे। अब इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कुल 6 राज्यों में हो रही है। बाद में इसे देश के हर गांव में लागू किया जाएगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से 20 श्रमिकों का जत्था साइकिल से ही 1700 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए रवाना हुआ है। इन मजदूरों ने राशन की समस्या के कारण इस तरह का निर्णय लेने का दावा किया है। श्रमिकों ने कहा कि उनके पास अब पैसे नहीं बचे थे, वहां पर कोई काम भी नहीं चल रहा था। ऐसे में बचे पैसों से साइकिल खरीद कर घर लौटने के सिवाय उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और पीएम मोदी की आज अहम बैठक होने वाली थी, जो कि अब टाल दी गई है। संभावित है कि ये मीटिंग 27 अप्रैल को पीएम मोदी की होने वाली मीटिंग के बाद के लिए टाली गई हो, क्योंकि 27 अप्रैल को पीएम मोदी देश के सभी सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। बिहार सरकार की एक और लापरवाही सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से अतिरिक्त राशन कार्ड धारकों की लिस्ट मांगी थी, जो अभी तक राज्य की ओर से नहीं आई है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने नीतीश सरकार की लापरवाही को लेकर शुक्रवार को एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। सांसद चिराग पासवान ने लिखा है कि 14 लाख बिहारियों का नाम बिहार सरकार को राशन कार्ड धारकों की सूची में जोड़ना था, लेकिन उन्हें भी केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त राशन का लाभ मिल सके, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक नाम केंद्र को नहीं भेजा है, जिससे बिहार में कई परिवार में भुखमरी की स्थिति बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन की स्थिति पर 27 अप्रैल को सुबह देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। हालांकि पीएम मोदी की बैठक से पहले ही राजनीतिक उठापटक भी शुरू हो गई है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने CWC की मीटिंग में केंद्र के खिलाफ अपने तेवर दिखा दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में CWC की बैठक हुई, जहां संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता न देने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार पर कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने हमला बोला है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।